हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। सो गाइस यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई बंजी कोड क्या होता है और बंजी कोड कैसे बनाते हैं। तो भाई ये वीडियो मतलब 2 महीने के बाद आ रही है। वो देखो यार, थोड़ा स्कूल प्रॉब्लम था तो इसलिए आप समझ सकते हो, तो बस इसलिए हमारी देर में आई यार वीडियो। वैसे अभी मैं सोच रहा था यार शॉर्ट डाल दिया करूँ, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा मैं शॉर्ट में बता दिया करूँगा भाई क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब बता दिया जाए बता दूँगा मैं। और वैसे आपको बिल्कुल लेटेस्ट आपको कुछ पूछना है या हेल्प चाहिए तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ देखो गिफ्ट भी मिलते हैं, जब समर आएगा तो समर का तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। तो यू गोट ये गिफ्ट मैंने पहले ही बोल दिया दोनों जगह पे, तो आपको यहाँ पे कोई सा भी गिफ्ट दे सकता हूँ मैं, या अभी मैं यहाँ गिफ्ट अभी भी डाल दूंगा। और देखो भाई, जिसको भाई मेरे सर्वर को यार बूस्ट देना है तो वो दे सकता है, जिससे मैं अपने सर्वर की एक ऐसी लिंक बना सकता हूँ जिससे आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हो। वरना अभी मेरे पास कोई बूस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाती है लिंक, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो भाई आप डिस्कॉर्ड की लिंक दे दो, वैसे मैं कोशिश करूँगा भाई लेटेस्ट डालने की। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ गिंडल चैट में बात कर सकते हो, और भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो इस टाइप के यहाँ बहुत सारे पहले बंदे आए थे, उन्होंने भी मैसेज करा था। और यहाँ बचना है तो भाई बंजी कोड सबसे बेस्ट कनेक्टर है जो आपके, देखो भाई अब स्काई वाले इन्होंने दिया है, जैसे लोबी है ये 15 GB है भाई। लोबी का तो छोड़ो यार, लोबी आगे जाके कितनी बढ़ सकती है, 1 GB बढ़ सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लोबी का प्रॉब्लम नहीं है, स्काई वाले का प्रॉब्लम है। आगे जाके मोर मैप बनेंगे, अपडेट आएंगे मैपों में तो हम और मैप डाउनलोड करेंगे, तो ये तो रिसेट होकर वापसी उतनी GB पर ले आएगा, मगर आगे जाके हम और मैप डालेंगे तो और सारे मैप खेलेंगे लोग, तो इस हिसाब से आपकी GB बढ़ जाएगी। तो हमें 15 GB दी हुई है तो हम इसके ना आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई GB बहुत बड़ी स्टोरेज होती है। तो इस हिसाब से भाई स्काई वार भी हमारा अच्छी तरह लॉन्ग चलेगा, लॉन्ग। और अगर 15 GB बढ़ जाती है तो हम दूसरा बना लेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं, दो बना सकते हैं फिर हम, बट हम सिंगल सर्वर में ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम ऐसे सारे सर्वर बना सकते हैं बंजी कोड की हेल्प से। तो हमें पहले बंजी कोड बनाना होता है, उसके बाद ये लोबी स्काईवार ये बाकी जो भी आपके मिनी गेम है वो आपके पास होने चाहिए। फिर हम यहाँ बंजी कोड से सबसे पहले लोबी को कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम जितने भी बाकी सर्वर हैं उनको ऐड करेंगे और फिर लोबी से इनका कनेक्शन कर देंगे। ये बंदा जैसे भाई जैसे गए, देखो आप यहाँ पे आप लोबी से सर्वर सेलेक्टर बनाएंगे जिससे हम जैसे डायरेक्ट स्काईवार से जोड़ देंगे, फैक्शन से जोड़ देंगे, फुल पीप से जोड़ेंगे, फिर इसके आगे और सर्वर बनेंगे उनसे जुड़ते जाएगा भाई, जुड़ते जाएगा, ऐसे आपका बहुत बड़ा सर्वर बन जाएगा। और भाई जिसने भी अनलिमिटेड ट्रिक मतलब अनलिमिटेड सर्वर बनाने की ट्रिक नहीं देखी है, वाली वीडियो नहीं देखी तो देख ले भाई, तभी आपका आगे बंजी कोड सर्वर बन पाएगा, उसके सिवा नहीं बन पाएगा। और गाइस देखो भाई, मैंने आपको पहले बोला था भाई फेलिक्स नोट वाले कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर करेंगे वीडियो देख के हमारी, और वो हुआ, मगर उनसे नहीं हो पाया भाई, डर है भाई पूरी वेबसाइट ही ना गायब हो जाए, इसलिए थोड़ा केयरफुली अपने सर्वर का बैकअप रखना अपने पास, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ बंजी कोड सर्वर कैसे बनाते हैं। तो गाइस अब मैं आपको भाई सबसे पहले बता रहा हूँ, अब बताऊँ आपको क्या करना है सबसे पहले भाई बंजी कोड सर्वर बनाने के लिए। जिसने भाई पहले मतलब जितने भी अभी तक मैंने भाई पीछे के पार्ट नहीं देखने यार, मतलब जो मैंने थोड़ा गलत हो गया था, मतलब अगर आप वो देखोगे तो सब फालतू है, फ़ायदा नहीं है। तो आई बटन पे आपको साइड में आपको वीडियो के किनारे पे सबसे ऊपर टॉप में आपको दिख जाएगा, टॉप राइट को मेरी तरफ से भाई ऐसा ही है कुछ, ठीक है ना। तो आपको आई बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब आ रहे होंगे उस पर, आप भाई वहाँ पार्ट 1 से देखना भाई, उनका पार्ट 1 पार्ट 2 में इन सब में मैंने भाई आपको सर्वर दिए हैं, बहुत सारे सर्वर दिए, मतलब कुछ कुछ नहीं दिए। जैसे भाई मैंने ये बताया था भाई यहाँ पे हम लोगों ने मेन सर्वर का फोल्डर बनाया था फर्स्ट पार्ट में, उनको थोड़ा जो नए व्यूवर्स हैं उनको गाइड कर देना। अब ये देख लो भैया कितने सारे सर्वर पड़े मेरे पास, पूरा भाई आर्केड भी पड़ा है मेरे पास, इसका ना TNT रन हाइड एंड सीक सब है भाई, पूरा हाई पिक्सल का पड़ा हुआ है, देख लो भाई पूरा बना हुआ है। बेडवार अभी छोड़ो यार, बेडवार फुल नहीं बनाया, 9 पता नहीं 75% बना हुआ है,
उसे भी बनाएंगे फिर, ठीक है। और ये रहा हमारा कनेक्टर वगैरह, ये तो पहले हमने बनाया था, तो डिलीट कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है। अब डेट बाई डेट लग ये मैंने अभी तक आपको नहीं दिया है, बट इसके आगे वाले पार्ट में आपको दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे अभी हमें जो हम पहले या दूसरे या तीसरे पार्ट में जो सर्वर दिए थे उनमें से सबसे पहले हमें दो सर्वर की ज़रूरत होती ही होती है भाई। बंजी कोड में एक सर्वर से नहीं होगा काम, मिनिमम दो सर्वर चाहिए आपको बंजी कोड पर कनेक्ट करने के लिए। तो आपको वो ज़रूर देखनी पड़ेगी वीडियो, वरना आपका इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको पहले दो सर्वर लेने पड़ेंगे। अभी आप नेट से छानो भाई, फ्री में सर्वर मिल जाए मुझे, बट उसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैंने इन सबको फिक्स करके आपको दे दिया है, तो आप मेरी वीडियो से डाउनलोड कर सकते हो। मीडिया फायर की लिंक है, बिल्कुल सेफ लिंक है, नो वायरस है, माई 100% गारंटी है भाई। तो अब यहाँ में से मैं दो सर्वर ले लेता हूँ, दो सर्वर जैसे गाइस देखो, मैं यहाँ डेड बाय डेड लाइट ले लेता हूँ। तो इनको ऐसे कुक नहीं कर, देखो मैंने अंदर एक कूलर बनाया हुआ है, बट मैं फिर से बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं इसको पूरे को कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इनको ऐड टू ऐड शिफ्ट करूँगा, एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे, बस डन का। देन का पहला सर्वर हमने ले लिया, अब हमें लेते हैं सेकंड सर्वर, जो छोटा सर्वर है TNT रन। इसे भी कंट्रोल ए करते हैं, ऐड टू आर चेक करते हैं, एंड देन डन। आपको भी ऐसा ही करना है डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस देखो हमारा एक सर्वर हो चुका है, तो सबसे पहले उसे हम बाहर ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं इसे तो लोग डी में ऐड कर देता हूँ, जिसमें मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा ये सर्वर। तो कहाँ गया ये रहा, ये रहा हमारा एक सर्वर, सेकंड सर्वर। देखते हैं भाई कितना टाइम लेता है। तो जब तक ये हो रहा है उतना मैं आपको बताता हूँ भाई अब क्या करना है। सबसे पहले अपना मैं क्रोम खोल लेता हूँ, जहाँ मैंने बहुत सारे अपने सर्वर बनाए थे। तो भाई आपको जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ भाई आपको, भैया हेलिक्स अगर आप यूनाइटेड स्टेट वगैरह या जर्मनी से या रशिया से हो और मुल्क भी हैं वहाँ से हो, बट इंडिया पाकिस्तान और तुर्की बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसमें ये VPN की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको VPN डाउनलोड करना पड़ेगा, टच VPN, ठीक है ना। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे डाउनलोड करना। अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो चलेगी, उसमें आपको सब पता चल जाएगा भाई इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस देखो आपने देख ली होगी वो पूरी वीडियो, तो इसे ऐसे डाउनलोड करना है, और इसे आप बेस्ट चॉइस पे भी रहने दे सकते हो। देखो भाई ये आपको सब दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रशिया, जर्मनी, नेदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, और ये अरे गाइस इस चीज़ को थोड़ा आपको यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करना है, जिसको आपका नेट मतलब अच्छा आईपिंग वगैरह, तो आपको फिर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जब टच VPN कनेक्ट हो जाए, तो सबसे खतरनाक खौफनाक ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है, अपने फेलिक्स नोट के डैशबोर्ड पे जाना है, जहाँ आपने बहुत सारे सर्वर बना लिए हैं। तो पता है भाई, डू नॉट शेयर माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, भाई मैं कहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये काम कर जाएगा इस टाइप से, जो मैंने कनेक्टर नाम का एक सर्वर बनाया हुआ है, ऐसे मैंने बहुत सारे सर्वर बनाए हैं, ऐसे आप बना नहीं सकते हो, मगर आप वो वीडियो देख के बना सकते हो। देखो मैंने आपको बोला था ये 15 GB का स्पेस देते हैं, तो ऐसे। तो अब मैं आपको बताऊँगा भाई बंजी कोड सर्वर कैसे बनाते हैं। इनका अपडेट आया था, जिसकी वजह से इनका आप थोड़ा चेंज हो गया भाई, कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको वर्जन पे जाना है,
अभी आप वीपीएन वीपीएन ऑफ नहीं करना, मगर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वीपीएन ऑफ कर देना अपना, फिर आपको सब कुछ फास्ट चलने वाला है फ्री में। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है वर्जन वाली प्लेस पे, मतलब इस साइड वाली, इस साइड आ जाना भाई वर्जन वाली, इस पर क्लिक करके देन आपको यहाँ वर्जन सेलेक्टर नाम का एक चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी चूज़ होगा, वनीला वगैरह, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है बंजी कोट। तो ये देखो ये रहा बंजी कोट नाम का, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी थोड़ा लोडिंग करेगा, तो जब लोडिंग हो जाएगी तो यहाँ पे इतने सारे वर्जन आ जाएंगे बंजी कोट के, तो इनमें से आपको एक बंजी कोट का रखना है। तो गाइस यहाँ आप कोई सा भी रख सकते हो भाई, वर्जन वगैरह कोई सा भी, बट मैं चाहता हूँ यार लेटेस्ट वर्जन हो 1.19, मतलब बंदा 1.19 से भी ज्वाइन कर पाए, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई सा भी वर्जन उठा लो, कोई सा भी डाउनलोड कर लो, कोई सा भी, मैं 1.8 कर लूँगा जिससे हमारा GB कम यूज़ होगा और फास्ट चलेगा सर्वर। आप 1.8 चूज़ करना और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना, एंड देन ये आपको ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर गाइस आपका इंस्टॉल होने के बाद आप फाइल में जाना, फाइल में भाई चेक करना सर्वर डॉट जार नाम का आ रहा है, तो बस आपका ओके हो चुका है। फिर आपको जाना है यहाँ कंसोल के अंदर, एंड गाइस कंसोल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे स्क्रॉल डाउन करना, बट अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आने के बाद VPN ऑफ कर देना। देन गाइस आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, किल, सैंड लॉक, ओपन लॉक, सपोर्ट, बहुत सारे आ जाएंगे ऑप्शन। तो आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, एंड देन फिर स्क्रॉल अप करना है, देन आपको इस टाइप से चलेगा। तो आपको यहाँ कोई सा भी जावा ले लो, ओ एक मिनट क्रेश ना हो जाए, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो गाइस देखो अब यहाँ पे ये हमारा सर्वर बन चुका है, अभी थोड़ा स्टार्ट करेगा, जब ये पूरी लोडिंग हो जाएगी डायरेक्ट, फिर ये लिखा आएगा ना आपका लिस्ट टैनिंग जीरो ऑन, और ये जो नंबर लिखे हैं ये आ जाए लिखा हुआ। फिर आपको अपने सर्वर को यहाँ किल के बटन दबाना है, स्टॉप से कुछ नहीं होने वाला, किल का बटन दबाना है, एंड देन कंटिन्यू का बटन दबा देना। देखो भाई कुछ बंदे को भाई बहुत समझ लग रहा होगा भाई मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, बट यार जो नए हैं यार उनके लिए है ये, क्योंकि भाई वो नहीं कर पाए। अब देखो यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे भी एक प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ देखो यार ये प्लगइन्स, आपको एक चीज़ बता दूँ, या आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, बट मैंने यार अपने कुछ सोचा है। देखो इसमें सर्वर सूचना नाम की एक प्लगइन डलती है जो हमारे सारे सर्वर पर वर्क करती है, बल्कि यार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आपको सर्वर स्विचर नाम की प्लगइन डाउनलोड करनी है, मीडिया फायर की लिंक दे दूंगा भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी, मीडिया फायर की लिंक भी दूंगा, ठीक है। मैं आपके सबको, आपको मीडिया फायर की लिंक मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना। देन आपको सर्वर स्विचर वाली प्लगइन को इसके अंदर जाना है, प्लगइन के फोल्डर के अंदर, एंड देन यहाँ अपलोड कर देनी है। देन गाइस देखो यहाँ हमारी अपलोड हो चुकी है, इसके बाद आपको यहाँ फिर से फाइल्स पे क्लिक करना है। देन गाइस आपको फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यार एड बहुत आ रही है, तो यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। तो आपको यहाँ पे config.yml के अंदर जाना है, देन आपको देखो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दो नाम के भाई, सर्वर स्विचर लिंक, उसके अंदर से आपको डाउनलोड करना है, और फिर एक और उसके नीचे लिखा होगा सर्वर स्विचर परमिशन, परमिशन लिखा होगा, उसके आगे जो परमिशन होगी ना गेप देगी जो मैंने लिखी है वो आपको कॉपी करनी है, ठीक है ना, आपके लिए इतनी आसानी कर रहे हैं, ठीक है, आपको बस वो कॉपी करनी है। देखो गाइस आपको इस टाइप की देखो एक परमिशन मिलेगी सर्वर स्विचर डॉट स्विच, आपको बस ऐसे कॉपी करना है इसे, देन यहाँ आ जाना config.yml के अंदर, देख लो गाइस, देन आपको ये डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट मतलब नॉर्मल प्लेयर की जो ये परमिशन होती है, नॉर्मल प्लेयर जो डिफ़ॉल्ट जो नए नए आएंगे उनके लिए ये, तो आपको यहाँ लिस्ट पे क्लिक करना है और इंटर दबा देना है, तो फिर इस टाइप से खुल जाएगा। फिर आपको बैक स्पेस के बराबर में प्लस का होगा, फिर प्लस के बराबर में दो माइनस होंगे, बस पे आपको एक दफ़ा क्लिक करना है, प्रेस करना है मतलब उस बटन को, तो इस टाइप से आ जाएगा माइनस। आप कहीं वो साइड वाला माइनस भी कर सकते हो, प्लस के ऊपर जो बना हुआ है बस वो माइनस लगाना है, एंड देन कंट्रोल वी कर देना है। अगर आपने वहाँ से कॉपी करा है तो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है, बस इस टाइप से आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ आप परमिशन मिल जाएगी भाई। तो अब हम लोगों को ये पूरी config.yml की पूरी सेटिंग करनी है। तो अब यार ये वाला बिल्कुल ध्यान से देखना यार, इतने बंदों की इसमें प्रॉब्लम आई है, इतने बंदों की, तो सोच ही नहीं सकता।
जब मैंने भी नया नया करा था बहुत प्रॉब्लम आई थी, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें एक एक नुक्ते की गलती आपका पूरा सर्वर क्रेश कर देगी, ठीक है ना, इतना ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ हमने ये डाल दिए ना, बिल्कुल ये ठीक डलनी चाहिए, ठीक है। डालने के बाद आपको कहीं पर भी, मेरा तो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो पिलियर लिमिट लिखा है ना यहाँ पे, पिलियर लिमिट, तो आपको इसको -1 से हटा के इसको पूरा सेलेक्ट करना है, -1 को सेलेक्ट करना है, इन्हें बैक स्पेस दबा लेना है। देन गाइस आपको अपने सर्वर में कितने पिलियर्स रखने हैं वो रखने हैं, तो मैं अराउंड यहाँ पे इतने रख देता हूँ, जितने देखो मैंने यहाँ लग गया 2509 पिलियर्स मेरे सर्वर में आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। एंड देन यार रिमोट पिंग कैच इन सबको आपको नहीं छेड़ना, और ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो फोर्स का सपोर्ट आप ट्रू कर सकते हो, देखो भाई फोर्स का मतलब ये हुआ, जैसे आप बंदा कोई मोड के साथ आना चाहता है, मोड वगैरह होते हैं ना माइनक्राफ्ट के, मोड फोर्ज वाली मोड है तो उसमें आ सकता है, फोर्ज की वर्जन में आ सकता है, तो उसके लिए आप इधर ट्रू कर सकते हो। बट यार बंदे मोड हैकिंग के भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ यार आप इसे फोर्ज रखो, ठीक है। अब आप हम लोग नीचे आ जाते हैं, और यहाँ आपको ऑनलाइन मोड ज़रूर मिलेगा, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम मतलब इधर हाई पिक्सल सर्वर है वो प्रीमियम लोगों के लिए है, तो इसलिए प्रीमियम माइनक्राफ्ट वालों के लिए है, तो आप इधर ट्रू रखो। और अगर आप क्रैक सर्वर बना रहे हो, भाई क्रैक मतलब ये नहीं समझो कि भाई आपका सर्वर क्रैक हो गया, टूटा हुआ सर्वर है, बेकार सर्वर, ये नहीं समझना, बस ये आप जैसे जिन्होंने माइनक्राफ्ट नहीं खरीदा है उनके लिए है, ठीक है ना, बस आप इसे फोल्ड कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे आपको सर्वर स्कोप से मिलेगा, अभी इसे नहीं छेड़ना, इसमें अभी हमें आप कुछ करना है। तो देखो यहाँ आपको क्वेरी रिपोर्ट 25577 मिलेगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे फिर से VPN ऑन करना है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है जो ऊपर लिखे हुए ताले के पास, कॉपी करना है एंड देन न्यू टैब पे इसे वापसी पेस्ट कर देना, पेस्ट करोगे तो इस टाइप फिर आपको खुलेगा। देन आपको यहाँ ऊपर ये कुछ दिखेगा, इसको आपको आगे करना है, इसको आगे करना है, फिर आपको यहाँ नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, नेटवर्क के अंदर जाना है, और यहाँ आपको एक पोर्ट नाम की चीज़ मिलेगी, ये 4607 इस पर पोर्ट लिखा है, आपको इसके ऊपर पूरा सेलेक्ट करना है 4607 पे, फिर इसे कॉपी करना है, देन अपने पीछे वाली वेबसाइट पे आना है, और इन अदर ये मोटी टैब अपनी मर्जी से रख सकते हो, बाद में अभी रखेंगे, अभी मैं आपको मेन मुद्दे पे ले आऊँ। तो अभी आपको यहाँ कोई रिपोर्ट पे ये जो नंबर लिखा है 25577, तो इसे यहाँ 7 से 2 तक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ कंट्रोल भी दबा देना है, तो ये 4607 यहाँ पे आ जाएगी। देन गाइस आपको नीचे जाना है, और नीचे जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको एक होस्ट नाम की भी मिलेगी, एंड देन फिर यहाँ पे आपको इस पर 257 से 2 तक इसे करना है, एंड देन पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैक्स प्लेयर सेट करना है, हमारे सर्वर में कितने मैक्स प्लेयर आ सकते हैं, 2509, चलो VIP के लिए हम यहाँ पे इतने रख देता हूँ मेरे, ठीक है ना। और फोर्स डिफॉल्ट सर्वर को आपको ऑन कर देना है, याद रखना फोर्स डिफॉल्ट सर्वर को ट्रू कर देना है, एंड देन ये IP फॉरवर्ड को भी यहाँ से आपको ट्रू कर देना है, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ ग्रुप है, ग्रुप्स MD5 टाइप लिखा है, इसके नीचे माइनस एडमिन लिखा है, तो यहाँ आपको एडमिन हटा के अपने प्लेयर का नाम रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अपने प्रो रूलर अपने प्लेयर का नाम रख दे रहा हूँ, तो हम ऑलवेज वो रहेंगे एडमिन, मतलब OP रहेंगे। एंड देन गाइस बस आपको इतना ही करना था, एंड अब लास्ट स्टेप है, आपको सेव करना है इसे, एंड देन इसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेप है वो आपको करना है। तो भाई अभी आपको बता दूँ भाई बंजी कोड में क्या करना है, सबसे पहला सर्वर होता है हमारा लोबी, याद रखना है लोबी। तो बंदा सबसे पहले कौन से सर्वर में ज्वाइन हो, तो यहाँ सबसे पहले ये लोबी नाम का दिया हुआ है आपको सर्वर, तो आपको ये आपको इधर एक एड्रेस नाम की चीज़ दिख रही होगी, ठीक है ना। अभी आपको इसको नहीं छेड़ना,
सबसे पहले आपको अपने पी एक और वो जो हमने अगली दफा न्यू टाइप में खोली थी ना उधर आना है, और यहाँ हमने डैशबोर्ड पे चले आता हूँ, और जो मैंने और सर्वर बनाए थे, जो दूसरे और सर्वर बनाए थे मैंने, वो यहाँ पे मैं टैप से देखो, ये रहा मैं सारे के सारे सर्वर। तो इस टैप से मैंने यहाँ पे एक हब बनाया था, ये रहा वो हब, बट मैं आपको इससे नहीं दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें बेड वार स्काई वार के अंदर वो दोनों सर्वर डालने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं डेड बाय डेड लाइट डाल देता हूँ। मेरे को ये रहा अभी खुल जाएगा यार, चलो नहीं खुला। और आपको इस टाइप से पकड़ना है एंड देन अपने उस क्रोम पे जाना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत है होगी, गलत है। तो हम पहले बेड वार के अंदर चलते हैं, देन वर्जन के अंदर चलते हैं, VPN ऑन होना चाहिए याद रखना, देन यहाँ से आपको कोई सी भी वर्जन चूज करना है, कोई सी, बाद में तो डिलीट ही करना है सर। यहाँ से हमने कोई सी वर्जन चूज करी, एंड देन गाइस इसके बाद हमें यहाँ मैं फाइल्स के अंदर चली जाता हूँ। देखो भाई आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है, वरना आप अपने सर्वर को अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ डेट बाय डेट लाइट दिख रहा है, तो आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इधर। अभी आगे कुछ टाइम लेगा, अरे यार डाउनलोड ही लग गया ऐड की वजह से। देखो भाई यहाँ अभी फिर से कॉपी हो रहा है, हाँ तो अब देखो ड्रैग का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इस पर ड्रैग करा। अब देखो यहाँ साइड में आ जाएगा लिखा हुआ भाई तुम्हारा जो वो सर्वर है वो डल रहा है, तो आपको वेट करना है भाई ये कब तक डले। तो अब यहाँ पे हमारा ये सर्वर डल चुका है, तो हम ये सर्वर डॉट जार को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका ना एक ऑलरेडी सर्वर डॉट जार डला हुआ है, बट हमें फिर से सर्वर डॉट जार जरूरत होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेट बाय डेट डेट आ चुका है। एंड देन अब मैं इसे यहाँ पे अनआरचिप कर लेता हूँ, और देखो यार मैंने इस गेम को ट्राई करा, बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। देन गाइस देखो यहाँ पे मैंने इसे अनआरचिप कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसे जो हमारी जो फालतू फाइल, देन गाइस देखो मैंने वो फाइल को डिलीट कर दिया। अब यहाँ हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो ये 1.8 में बना है, तो इस जावा 17 चूज होगा, सबसे पहले हमें उसे सेट करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टार्टअप पे, स्टार्टअप के अंदर यहाँ देखो जावा 17 चूज हुआ है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सर्वर आउट ऑफ मेमोरी या कुछ ऐसा आएगा प्रॉब्लम। बस अब चलते हैं हम अपने कंसोल पर, ठीक है ना। अब हमने ये पूरा सर्वर यहाँ रेडी करा हुआ है, तो हम यहाँ सबसे पहले इसे यहाँ की जो IP है इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, बट उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ भाई ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो गाइस देखो यार ये काम कर रहा है, तो अब हम इसे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। गाइस यार देखो अगर लेग हो रहा है तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, PC थोड़ा सा डाउन हो चुका है हमारा पहले। अरे देखो ये हो नहीं रही है तो मुझे किल करना पड़ जाएगा, तो किल करते हैं। और अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ बंजी कोट सर्वर के इधर है ना, ये एड्रेस आपको नीचे दिखेगा game3felixserver.net, और ये हमारा आगे पोर्ट लिखा है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है, बस लेफ्ट क्लिक करना है, और यहाँ आपको पीछे अपने वापसी आ जाना है कनेक्टर के config.yml में, एंड देन यहाँ आपको एड्रेस पे है ना ये 5 से लेके L तक सेलेक्ट करना है, एंड देन कंट्रोल भी दबा देना है, तो आपको वहाँ की IP इसमें डाल देनी है, ठीक है। आप यहाँ आप किसी भी वेबसाइट की डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, या टेनोस की भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पोल्स के इधर आके इंटर दबाना है, क्योंकि हमें मिनिमम 2 सर्वर चाहिए ना, तो आपको ये पूरा पोल से लेके ये लोबी का ये ना यहाँ तक कॉपी करना है, एंड देन ये नीचे वाली जगह आके पेस्ट कर देना है। अब ये लोबी जहाँ लिखा है ना, अब इसके बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, आप इसे करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल इसकी लाइन में है, ठीक है। अब ये मोटिट वगैरह भी इसकी लाइन में है, ठीक है ना, आपको ये बहुत ध्यान देना है, ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ लोबी के जो नेम है इसे हटा देना है। अब मैं इसका रख देता हूँ नाम QSG, मैंने इसका नाम रख दिया है, ठीक है। और हमें जहाँ हमने क्विक सर्वर गेम बना रहे हैं वहाँ आपको ये वाली IP डालनी है, तो अब हमने पहले इसकी IP डाल दी। गाइस अब हम चलते हैं यहाँ डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ हम चलते हैं स्काई वार्स पर, एंड देन यहाँ क्विक सर्वाइवल गेम डालते हैं फटाफट, ठीक है। गाइस यार मैं कुछ और सा गेम डाल देना, यहाँ छोटा मोटा था, तो यहाँ पे हमारा वो हो चुका है फाइल रेडी, लक्की ब्लॉक रेस हम इधर डाल देते हैं। अभी यार इन्होंने रिसाइकल बिन डाला है इधर, हाँ तो देखो आप इन सर्वर डॉट जार के बगैर भी डाल सकते हो। इन्होंने देखो यहाँ जानबूझ के ये चीज़ डाली, क्योंकि इनका एक ग्लिच हो गया था ना, देखो जब तक ये सब कुछ हो रहा है माइनक्राफ्ट भी खोल लेते हैं। बट गाइस काश हमारा
प्लीज लेगा ना हो जब तक ये हो रहा है आपको फिर से एक और ये वाली कॉपी करनी है एंड देन आगे एक नया टेप खोलना है इसको यहाँ डाल देना है। तो ये हमारा है लक्की ब्लॉक रेस एंड देन ये वाला पहले। अब हम लोग दूसरा वाला सर्वर खोल लेते हैं। पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं यहाँ से। डैशबोर्ड के अंदर जाके हमारा वो बेड वार के अंदर था तो हम बेड वार खोल लेते हैं। देन डन गाइस देखो यहाँ लक्की ब्लॉक रेस आ गया। मैं इसे 8 छोड़ देता हूँ। देन डन अब ये है 1.8 का तो हमें इसके अंदर भी स्टार्टअप के अंदर जाके 1.08 जावा सेट कर देंगे। गाइस यहाँ 8 डालने के बाद फिर से आप चलते हैं हम कंसोल के अंदर। कंसोल के अंदर आने के बाद हम इसकी अब आपको IP वो लेनी है। ये जो एड्रेस है ना आपको उस पर लेफ्ट क्लिक करना है फिर से कनेक्टर पे आना है। अब हमने ये क्यों जी थी ना इसके अंदर कि जो गेम 0 से लेकर जी तक हमने इसे सेलेक्ट करा एंड देन कंट्रोल भी दबा देना है। बस सिंपल सा काम था। अब हमारे दोनों सर्वर आ चुके हैं ठीक है। बस प्लीज चल जाए। मुझसे भी कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं ठीक है ना। तो बस अब ट्राई करते हैं चल जाए। बंजीगोड सर्वर तो भाई 24 आवर तक ऑनलाइन रहेगा बट इसके जो पिछले वाले जो सर्वर होंगे ना अंदर के वो बार बार बंद होते रहेंगे जब तक उसे ना पिलियन नहीं रहेगा। और आईपी का भी यार प्रॉब्लम आ रहा है बहुत गंदा वाला। क्या कर सकते हैं गाइस देखो यहाँ पे देखो विदआउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ हमारी प्लगइन भी अनेबल हो चुकी है सर्वर फ्यूचर नाम की। और हमारे जो भी सर्वर थे वो भी अनेबल हो चुके हैं बस उनको ऑनलाइन करना रह गया है। तो अभी आपको जिससे ज्वाइन करना है इस एड्रेस से आपको ज्वाइन करना है अपनी बंजी कोड के आईपी से ठीक है। बट उससे पहले ऑनलाइन करने से पहले हमें लगा दो ऑनलाइन पे। और भाई देखो इन दोनों के कंसोल पे मतलब सर्वर स्टार्ट हो या ना हो आपको इनके कंसोल पे लिख देना है। इधर इनके कंसोल पे लिख देना है OP और अपने प्लेयर का नाम। यहाँ इन सर्वर में ऑलरेडी OP हूँ ठीक है ना। आपको यहाँ एक डायरेक्ट लिख देना OP ये जैसे मैं अपने प्लेयर का नाम लिख दूँ प्रो रूलर ऐसे आप अपने प्लेयर का नाम लिख देना ऐसे दोनों जगह लिख देना आपको ठीक है। गाइस आए गए यार दोनों सर्वर हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं। गाइस देखो यहाँ अपने माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं एंड देन अब यहाँ पे हम अपनी बंजी कोड की यहाँ IP डाल दी है एंड देन देखो यहाँ पे हमारा बंजी कोड वर्क कर रहा है। इसके अंदर ज्वाइन होकर देखते हैं भाई काम करता है या नहीं। और देखो यहाँ 100% मैंने सबसे पहले यहाँ ऐड करा होगा भाई DBD वाला मतलब डेट बाय डेट लाइट ऐड करा था तो मैं सबसे पहला सर्वर यही ज्वाइन हुआ। तो ये रहा हमारा डेट बाय डेट लाइट ठीक है। ये हमारा सर्वर है। अब आप यहाँ आपको लिखना है पहले यहाँ फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं सर्वर लिखना है आपको सर्वर। हाँ तो वॉइस हम कम कर दिया। तो गाइस आप यहाँ जी जी सर्वर लिखोगे तो यू आर करेंटली कनेक्टेड टू लोबी आएगा लिखा हुआ एंड देन देखो QSG में भी कोई बंदा ज्वाइन नहीं है और लोबी में मैं ज्वाइन हूँ ठीक है ना। अगर मेरे साथ एक और प्लेयर होता तो मैं आपको बता देता एग्जाम्पल दे के तो अभी मैं नो कर देता हूँ। मुझे कोई रिजोर्स पे डाउनलोड नहीं करना क्योंकि यार मैं पिछली दफ़ा इधर था तो इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। तो गाइस देखो अभी मैं लक्की को स्टार्ट तो नहीं कर मतलब लक्की रेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा है सब कुछ मैंने इसकी लोबी सब बनाई है वो स्काई वाल लोबी डाल दी बस ठीक है। और ये देखो मैंने ये मैप का भी बनाया है इसके अंदर ये 100% बन चुका है बस स्कोर बोर्ड के सिवा ये रेस के सारे मैप। अभी देखो मैं फिर से सर्वर लिखता हूँ एंड अगर देखो अभी हम QSG में 1 प्लेयर आगे लिखा हुआ मैं डायरेक्ट लोबी लिखता हूँ ना तो देखो इस टाइप से हम इधर आ जाएंगे। अगर हम हब लिखेंगे तो यहाँ बोलेगा कोई कमांड नहीं है क्योंकि अभी हमने इसका नाम हब का सर्वर रेडी नहीं करा। अगर हम इसका नाम हब दे देंगे तो वो बंदा इसलिए हब लिख के हब के अंदर आ जाएगा इधर ही। तो ये है तो बस ये था यार बंजी कोड। तो गाइस आई होप वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसका अभी एक और सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा भाई बंजी कोड के ऊपर। इसके अंदर आपको और चीज़ें बताऊंगा भाई बंजी कोड के बारे में। तो बस आज ये पहला पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं बंजी कोड का। तो अब मिलते हैं हम अपनी वीडियो में अगली वीडियो में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। गुड बाय।